नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर उत्तम योग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंडली योग के प्राणायाम को हम कैसे करें। तो उसके प्राणायाम को करने के लिए बहुत कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, बहुत ध्यान की आवश्यकता होती है। जब तक हमारा ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा तब तक हम कुंडली योग नहीं कर सकते हैं। कुंडली ही का अर्थ ही होता है किसी चीज को, बंधे हुए चीज को ओपन करना। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कुंडली योग का प्राणायाम हम कैसे करते हैं। इसमें प्राणायाम जो होता है उसे हम बोलते हैं ब्रेथ फायर। दोनों हाथों को अप करेंगे साइड वाइज और आपके फोर फिंगर जो होंगे, मेकअप फिस्ट होगा और आपका थंब आउट साइड में होगा। देन इसके बाद अपने ध्यान को अपने आईब्रो सेंटर के बीच में रखेंगे, सांसों को भरेंगे। देन इसके बाद अपने एब्डोमिनल से मूवमेंट करेंगे लिटिल फास्ट। देन इसके बाद अपने दोनों थंब्स को हम टच करेंगे एंड इसके बोथ हैंड्स के बीच में हम एक एनर्जी फ्लो को महसूस करेंगे विथ ब्रेथ फायर के रूप में। स्लोली रिमूव करेंगे और दोनों हाथों को शोल्डर डिस्टेंस पे हम रखेंगे, बट एल्बो हमारा दोनों बैंड रहेगा। इसके बाद हम अपने बॉडी को ट्विस्ट करेंगे विद ब्रेथ फायर। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को रिमूव कर देंगे एंड दोनों लेग्स को ओपन कर देंगे एंड इसके बाद अपने लेग्स को हम बैंड करेंगे, नी को बैंड करके इसके बाद लेग्स को स्ट्रेट करेंगे। देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्रेथ फायर। द सेम थिंग अपोजिट लेग। एंड रिमूव कर देंगे। देन इसके बाद हम स्लोली ले डाउन हो जाएंगे। Coming to bridge posture and you start breath fire. And remove कर देंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप reverse plank में with knee bending में भी करा सकते हैं। दोनों हाथों को पीछे किया, अपने upper body lower body को up किया, आपके head down। इसके बाद start breath fire। यह हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं जो भी वीडियो डालता हूँ आपको जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में करिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है वीडियो में या किसी प्रकार की त्रुटि है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको कुछ बेनिफिट हो सके, जिससे आपको कुछ फायदा हो सके तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना आप नहीं करिएगा। नमस्कार।